हमारे भारत देश में फसलों के खेती के साथ साथ कीड़ों की खेती भी किया जाता है, जैसे बी कीपिंग, सिल्कोम कल्टीवेशन, लैक कल्टीवेशन। थोड़े से टेक्निकल नॉलेज होने पर फसलों के खेती के साथ साथ इन कीड़ों की खेती करके कम समय में ज़्यादा मुनाफा किसान कमा सकते हैं। लाख की कीड़ों को लार्ज स्केल में पालने को लैक कल्टीवेशन कहा जाता है। रॉ लाख के उत्पादन के मामले में भारत विश्व में सबसे पहले स्थान में आते हैं। विश्व का 80% लाख की उत्पादन भारत में होता है। ला एक नेचुरल रेजिन है जो केलका यानी इंडियन फीमेल लैक इंसेक्ट से मिलता है। मेल इंसेक्ट 3 से 4 दिन जिंदा रहते हैं, लेकिन फीमेल इंसेक्ट लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। लाइफ साइकिल के दौरान कीड़े मुंह से होस्ट प्लांट के छाल से रस चूसते हैं और पूरे ब्रांच में रेजिन जैसा चिपचिपा मल छोड़ देते हैं, जिसे लैक के नाम से जाना जाता है। ला की खेती में 6 मुख्य स्टेज होता है, जैसे सही होस्ट प्लांट का चुनाव करना, ब्रूड लैक को सही समय पर पेड़ में बांधना यानी इनोकुलेशन ऑफ ब्रूड लैक की डाली को सही समय पर हार्वेस्ट करना, ला की कीड़े को प्राकृतिक कीट शत्रु से बचाना, ला जब मैच्योर हो जाए तो भरा हुआ डाली को कटाई करना यानी हार्वेस्टिंग, डाली से ला को अलग करना यानी स्क्रैपिंग। इन 6 स्टेप में ला की खेती होता है। पूरे दुनिया में ला की खेती में लगभग 113 होस्ट प्लांट है और उसमें 80 से 100 प्रकार के कीड़े विश्व भर में पाया जाता है, लेकिन सबसे पॉपुलर है बेर और कुसुम, जिनमें कुसमी लैक का खेती होता है और इसके अलावा पलाश में भी ला का खेती किया जाता है। ब्रूड लैक में एडर लैक का कीड़ा रहता है जो लगभग 21 दिन तक अंदर रहता है और उसके बाद नया लाइफ साइकिल शुरू कर देते हैं। बेर में जनवरी फरवरी महीने में प्रून करने से जून जुलाई महीने में ब्रूड लैक इनोकुलेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद लैक की हार्वेस्टिंग होने में 6 महीना लग जाता है। लगभग 6 महीने बाद यानी फरवरी मार्च महीने में ब्रूड लैक को कलेक्शन करके कुसुम के पेड़ में बांध दिया जाता है। ब्रूड लैक की डाली को 15 से 20 सेंटीमीटर साइज का काट के 4 से 5 फुट साइज का डाली में बांध दिया जाता है। कुसुम से लैक को फिर जून जुलाई में हार्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद ये बेर में बांध दिया जाता है। कुछ इस तरह 2 होस्ट प्लांट में साल भर ला की खेती चलता रहता है। कुसमी लैक बेर और कुसुम दोनों में ही अच्छा होता है। ब्रूड लैक को 21 दिन बाद पेड़ से कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसको फूकी नाम से जाना जाता है। इसको लगभग 1200 रुपये प्रति किलो के दर से किसान बाजार में बेचते हैं। ला में ज़्यादा डैमेज करने वाला 2 प्राकृतिक कीट सत्व पाया जाता है, जैसे नॉक्टोइड मॉथ और पुलवेरिया स्पीसीज। ब्रूड लैक इनोकुलेशन के टाइम जाली बांध देने से कीट शत्रु का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा कई किसान बायर कंपनी का रिजेंट SC का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फिप्रोनिल 5% SC फॉर्मुलेशन रहता है। इसको 1.5 मिली प्रति लीटर में ब्रूड लैक बांधने के 2 से 3 हफ्ते बाद स्प्रे किया जाता है। ला की हार्वेस्टिंग कीड़े मैच्योर होने के बाद किया जाता है। कुसमी लैक की हार्वेस्टिंग जनवरी फरवरी और जून जुलाई में किया जाता है, जहाँ पे 1.5 से 6 किलो प्रति बेर के पेड़ में और 6 से 10 किलो प्रति कुसुम के पेड़ में प्रोडक्शन मिल जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद डाली में लगा हुआ ला की रेजिन को अलग किया जाता है, जिसे स्क्रैपिंग कहा जाता है। लैक के कई फॉर्म होते हैं, जैसे स्टिक लैक, सीड लैक, सेल लैक, बॉटन लैक, गार्नेट लैक, ब्लीच लैक, जो कॉस्मेटिक्स, वाटरप्रूफ प्रिंटिंग इंक, प्लेइंग कार्ड्स, ऑयल क्लॉथ और कई सारे कीमती प्रोडक्ट्स बनाने के काम आते हैं। ब्लीच लैक को मेडिसिनल टैबलेट के कोटिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता है। ला का प्रोडक्शन करके किसान हर साल लाखों रुपए कम पूंजी, कम समय और कम मेंटेनेंस में कमा सकते हैं। फसलों की खेती के साथ साथ ला की खेती एक अल्टरनेटिव इनकम सोर्स है, जो कई गाँव के लोगों के जीवन बदल रहे हैं।